मेरा 10 लाख की माल है, 1.5 लाख का मेरा खर्चा हो गया है। और जो है टायर इंस्पेक्टर साहब जो है मेहरबानी करें मेरा माल को वापस मोड़ दें। माल वापस नहीं मुड़ता तो माल अगर मेरा वापस नहीं मुड़ता तो मेरा जो है मैं बैठ के मालियत जो है मालियत मोड़ के वापस कर दें। मालियत भी नहीं देता तो वो चार मुजरम जो है चार मुजरम को हज़ारे अक्टरबाद DPO साहब के साथ भेज दें। बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया हो जाएगा। अगर DPO साहब के बात से DPO साहब से बात नहीं होगा तो मेरा कोई हाल कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बाबर खान भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, सरदार साहब भी मेहरबानी है, शहजान साहब भी बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया है। क़यामत की सुबह तक मेहरबानी शुक्रिया रहेगा ये मेरा गरीब का हमायत हो जाएगा। अगर मेरा हमायत नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, अल्लाह की गरीब मौजूद है। तो मैं गरीब मस्किन बन रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ा ये तायर साहब ने अपना ग्रुप रखा है, एक ग्रुप की तलाश हो जाए, ये ग्रुप पास है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बशीर साहब हैं, सरदार बशीर साहब, ये अवेलिया में रहते हैं। वहाँ पर इनकी भेड़ बकरियों का कारोबार था, तो इस तरह हुआ है कि इनकी 20 भेड़ें चोरी हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ मंडियों पे ढूंढते रहे, 3 हफ्तों के बाद इनको एक भेड़ जो है वो अपनी उधर गोंदल मंडी जो अटक के पास है वहाँ से इनको इन्होंने बरामद कर ली। उसके बाद इन्होंने 4 मुलजमान पकड़ के पुलिस के हवाले किए। उसके बाद इनकी 20 लाख की भेड़ें बनती थी, तो पुलिस ने इनको कहा कि 10 लाख ले लो, स्टाम्प कर लिया गया, जिरगा बैठा स्टाम्प कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने जब पैसों की डिमांड की तो अभी इनको कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 2.5 लाख रुपये ले लो और स्टाम्प लिख के दे दो कि बस मेरा राजीनामा हो गया। तो ये बंदा कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादा हो रही है, GIG हज़ारा, इसी तरह IG पंजाब, और जो सरदार यूसुफ साहब हैं, सरदार शहजान यूसुफ साहब हैं, बाबर हुसैन स्वाति साहब हैं, वो इस मामले को देखें और मुझे इंसाफ दिलाएं कि गोंदल पुलिस जो है वो इस तरह कर रही है कि पहले 20 लाख की भेड़ें 10 लाख में इसका राजीनामा करवाया गया चोरों के साथ, अभी वो इसको कह रहे हैं कि 2.5 लाख ले लो और राजीनामा कर लो, तो इसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसका कहता है कि मैंने आने जाने पर हवेलियाँ से पुलिस को लेके जाता रहा, गोंदल मेरा 1.5 लाख वो भी खर्चा हो गया, गाड़ियों का, डीजल का, जो भी है जो पुलिस को लेके जाता रहे। तो अगर गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसकी गरीब बंदा था, इसकी 30 भेड़ें थी, 20 चोरी हो गई और अभी इसको 2.5 लाख रुपया उनका मिल रहा है, जिसमें से 1.5 लाख तो ये खर्चा भी कर चुका है, अभी इसको 1 लाख समझेंगे वापस मिलेगा। 20 भेड़ें इसकी चोरी हो चुकी हैं, इसको एक भेड़ बरामद हो गई है, 19 भेड़ें चोरों के पास हैं, अभी ये खुद बताएगा। जी बशीर साहब बोलें जी। मेरा बशीर नाम है, डीसी के रहने वाले हैं, हवेली से मेरा भेड़ चोरी हो गया, सब मंडी में तलाश किया भेड़ नहीं मिला, फिर गोदर मंडी में तलाश हो गया भेड़ एक मिलिया, ठीक है। फोन जो है मैं हजारे की पुलिस में ले गया, बहुत खर्चा कर दिया, 1.5 लाख से ऊपर मेरा खर्चा हो गया, वो तो नीचे जाता जाता गोंदर मंडी में आने जाने का मेरा खर्चा होता नहीं है। मैं खर्चा करके बैंड मेरा तो बरामद हो गया, चार मुजरम एक बैंड मेरा तो गोंदर मंडी में बरामद हो गया। और तार इंस्पेक्टर साहब जो है वो मेरी मायद नहीं कर रहा, मुजरम की मायद कर रहे हैं, ठीक। दूसरे नंबर बात यह है, मेरा 10 लाख की माल है, 1.5 लाख का मेरा खर्चा हो गया है। और जो है टायर इंस्पेक्टर साहब जो है मेहरबानी करें मेरा माल को वापस मोड़ दें। माल वापस नहीं मुड़ता तो माल अगर मेरा वापस नहीं मुड़ता तो मेरा जो है मैं बैठ के मालियत जो है मालियत मोड़ के वापस कर दें। मालियत भी नहीं देता तो वो चार मुजरम जो है चार मुजरम को हज़ारे अक्टरबाद DPO साहब के साथ भेज दें। बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया हो जाएगा। अगर DPO साहब के बात से DPO साहब से बात नहीं होगा तो मेरा कोई हाल कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बाबर खान भी बहुत बड़ी मेहरबानी है, सरदार साहब भी मेहरबानी है, शहजान साहब भी बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया है। क़यामत की सुबह तक मेहरबानी शुक्रिया रहेगा ये मेरा गरीब का हमायत हो जाए थे। अगर मेरा हमायत नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, अल्लाह की गरीब मौजूद है। तो मैं गरीब मस्किन बन रहा हूँ, मेरे से बहुत बड़ा ये तायर साहब ने अपना ग्रुप रखा है, एक ग्रुप की तलाश हो जाए, ये ग्रुप पास है, इस ग्रुप को तलाश करके मेरी इस मालियत को पूरा हो जाए। क्यों तायर साहब क्यों उनकी हमायत कर रहे हैं, मेरे गरीब की हमायत नहीं करता, क्यों आप ग्रुप की हमायत करता है, ग्रुप की हमायत क्यों करता है, ग्रुप जालमा दुश्मन ये हमारे गरीब लोग से रखे हैं इसने। अभी आपकी हुकूमत से ये अपील है कि आपके चोर पकड़े जा, चोर पकड़े जा, मेरा 19 भेड़ मोड़ के वापस हो जाए, जहाँ मेरा 10 लाख रुपया अक्टरबाद DPO साहब के सामने मेरे हाथ में दे जाए, स्टाम्प जैसे मर्जी लेते हम देते हैं, अगर नहीं तो वो उन चोरों को अक्टरबाद पुलिस के हवाले करें, अक्टरबाद DPO साहब के साथ आ जाए, बस मेरी ये हड़ी है DPO साहब के साथ, मेरा पैसा आ जाए वो मुजरम DPO साहब का आ जाए, मेरी ये हड़ी है बस तुम्हारे साथ, और कोई हड़ी नहीं मेरा, ठीक है।